हेलो एवरीवन, दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस रिजोल्यूशन बैच के अंदर, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट की तैयारी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, माने ये ऐसा कॉन्सेप्ट की तरीके से मैं आपको कराऊंगा इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को, जिससे आप ना सिर्फ CMA फाउंडेशन, आप दुनिया के किसी भी लेवल पे चले जाइए, आपका वो टॉपिक आपको वो आता होगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको मैं कवर कराने वाला हूं इसमें। और दोस्तों इस जो रिजोल्यूशन बैच है, इस रिजोल्यूशन बैच के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक, हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपको इतना मजा आएगा इसको पढ़ने के बाद कि आप कहेंगे सर आज के बाद हम मैथ से नहीं डरेंगे, इस बात का मैं प्रॉमिस आपको करता हूं। अगर ऐसा ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि सर आपने जो कहा उसमें मजा नहीं आया, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सर ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और देखिए इन सभी टॉपिक्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर स्लाइड तैयार की है, ताकि मैं आपसे इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकूं और ये जो पढ़ने लिखने की बातें हैं वो कम से कम कर सकूं। क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए हम वो चीज सीखते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन की, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये जो आप रेशो बोल रहे हैं, ये रेशो होता क्या है एक्चुअली में, और इसे हम क्यों पढ़े, हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हम ऐसे टॉपिक को क्यों पढ़े जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय योर रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो के मतलब को अगर हम कहें तो हिंदी में बोलते हैं इसे समानुपात। मैं अब लिख देता हूं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। समानुपात, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, हालांकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पढ़ाता रहूंगा, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। सर EMA इंटर का लेक्चर कब से स्टार्ट होगा? सर जी CMA इंटर का लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, उसमें इंटर ग्रुप 2 के अंदर OM और SM मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और गुड मॉर्निंग सर, CA कौन है, नथुनी कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो का मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो रेशो का मतलब होता है एक हिंदी में वर्ड यूज करूं तो तुलना करना, माने किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना हो, क्या करना हो, कंपैरिजन। अब अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो दोस्तों कंपैरिजन भी बेसिकली दो तरीके का होता है। मैं अभी रेशो की डेफिनेशन को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, सबसे पहले आपसे मैं बात कर रहा हूं कंपैरिजन के बारे में। तो कंपैरिजन देखा जाए दोस्तों दो तरीकों को होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट कंपैरिजन और एक होता है रिलेटिव कंपैरिजन। एब्सोल्यूट कंपैरिजन और रिलेटिव कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट कंपैरिजन एंड रिलेटिव कंपैरिजन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एब्सोल्यूट कंपैरिजन में जो भी आप कंपैरिजन बताएंगे वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे होगा, वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे होगा, माने जहां पे हम विद रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात करेंगे, जहां पर हम विद रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात करेंगे। भाई देखिए ना, किन्हीं दो चीजों को जोड़ेंगे तो कोई ना कोई यूनिट आएगी, या किन्हीं दो चीजों को घटाएंगे तो भी कोई ना कोई यूनिट आएगी। भाई अगर मैं कहूंगा 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ये दो वैल्यूज को मैंने जोड़ा तो आंसर कितना आएगा, 13
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर माने यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा वो विद रेस्पेक्ट टू यूनिट आएगा दोस्तों। जबकि अगर मैं बात करूं रिलेटिव कंपैरिजन की, तो रिलेटिव का कंपैरिजन का मतलब जहां पे आपको कंपैरिजन करना हो प्रोडक्ट प्रोडक्ट और डिवीजन बेसिस पे, प्रोडक्ट और डिवीजन बेसिस पे जहां आपको कंपैरिजन करना होगा वहां इसका मतलब आप रिलेटिव कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। यहां पे यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिलेटिव मॉडल की बात करूं तो बेसिकली नो यूनिट की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम डिवीजन के बेसिस पे ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब जैसे एब्सोल्यूट कंपैरिजन, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं एक राम नाम का पर्सन है, इसकी इमेज बना रखिए ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो सके, और एक हरिलाल है। हरिलाल कौन है? हरिलाल कौन है? राम के फादर है। हरिलाल कौन है? राम्स फादर। राम के फादर कौन है? हरिलाल जी है। राम की एज है मान लीजिए 15 साल, ये 15 साल का एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, और हरिलाल जो है इनकी एज है 45 ईयर्स। अब अगर मैं आपसे कहूं इनके बीच में कंपैरिजन करिए, क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? पहली बात तो ये बताइए भाई, कंपैरिजन हमेशा ऐसी चीजों के बीच में पॉसिबल होगा जो कि सेम काइंड की होंगी और जिनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। भाई अगर मैं आपसे कहूं आपका कंपैरिजन बब्बर शेर से किया जाए, तो आप कहोगे सर बात तो ठीक है, लेकिन मैं इमेजिनेशन में, आप सोच तो रहोगे बब्बर शेर के बारे में, मैं इमेजिनेशन की बात करूं, अगर आपका कंपैरिजन किसी और जानवर से किया जाए जैसे गधे से किया जाए तो वो गलत है। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमारा कंपैरिजन गधे से कर रहे हैं आप, ये तो गलत बात है। मैं कहूंगा बेटा जी मैं जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूं, कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसे दिखने वाले या सेम काइंड की चीजों के बीच में होता है। जैसे दूध का कंपैरिजन दूध से हो सकता है, ठीक है ना। अगर इंसान के कंपैरिजन की बात करूं तो इंसान का कंपैरिजन इंसान से और जानवर का कंपैरिजन जानवर से किया जा सकता है। तो सेम काइंड की चीजें होनी चाहिए, दूसरी बात यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ये कंपैरिजन निकाला 5 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर होता और ये 8 सेकंड होता तो क्या आप इसे ऐड कर पाते? नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है दो अलग अलग कमोडिटीज है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, ये लेंथ के रेस्पेक्ट में है। तो दो अलग अलग दिखने वाली चीजों को ना ही हम ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डिवीजन कर सकते हैं। हमेशा कंपैरिजन जो होगा वो सेम काइंड की चीजों के बीच में होगा और जिनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए, तब जाके आपको क्या होगा एक कंपैरिजन प्राप्त होगा। जैसे अगर मैं बात करूं राम की एज है 15 साल, इसके हरिलाल की एज है 45 ईयर्स, ठीक है ना। अगर मैं इनके बीच में कंपैरिजन करना चाहूं तो पहले मैं ये चेक करूंगा ये दोनों सेम है या नहीं है, बिल्कुल है, और दोनों की यूनिट सेम है या नहीं है। मान लीजिए ये मैं 15 साल ना कहकर, मैं 15 साल ना कहकर इसे 15 महीने की बात करता तो क्या आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे? तो क्या आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे? बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते थे। मतलब अगर कंपैरिजन करना है तो जिन चीजों के बीच में कंपैरिजन आप कर रहे हैं, पहली शर्त ये कि वो सेम काइंड की होनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तब जाके एब्सोल्यूट कंपैरिजन या रिलेटिव कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं रेशो की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? सर सीए फाउंडेशन के लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे? बेटा जी सीए फाउंडेशन के लिए भी हम लोग सब कुछ लेके आ रहे हैं धीमे धीमे करके, कॉन्सेप्ट बैच उसमें भी हमारा स्टार्ट होगा धीमे धीमे करके, हम सब चीजें प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा हर चीज को एक वे में आने के लिए, क्योंकि पीछे इसके बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीजें हम लोग एफर्ट डालते हैं, जैसे स्लाइड बनाना है, सब चीजें इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, थोड़ा समय दीजिए। बाकी आपके लिए रेशो, चाहे आप सीए फाउंडेशन में पढ़ो चाहे आप सीएमए फाउंडेशन में पढ़ो, रेशो का मतलब तो हर जगह रेशो ही होगा ना, पढ़ाने का तरीका दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों में पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो आप आराम से यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन दो तरीके का, एक तो विद रेस्पेक्ट टू यूनिट, एक तो विद रेस्पेक्ट टू यूनिट और एक विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट, ठीक है ना। विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ, पहले तो विद रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट,
जैसे अगर मैं मान लू ये 15 साल का है, इसको 15 साल कर लेते हैं, 15 years. तो अगर मैं कहूं क्या आप राम और राम के फादर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं. एक कंपैरिजन तो ये बनेगा कि राम के जो फादर है ना, वो राम से 30 साल बड़े हैं. माने फादर माइनस राम इक्वल्स टू 30 years. ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो फादर इक्वल्स टू राम प्लस 30 years. ऐसे करके ये भी लिख सकते हो. बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं. ये क्या है, ये कैसा कंपैरिजन हुआ? यहां देखिए ना, यहां जो कंपैरिजन बता रहे हैं वो या तो प्लस माइनस की फॉर्म में बता रहे हैं. माने इस टाइप के कंपैरिजन को दोस्तों हम कहेंगे एब्सोल्यूट कंपैरिजन. क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट कंपैरिजन. और एब्सोल्यूट कंपैरिजन की हमेशा अपने आप में एक यूनिट होगी ही होगी. बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब मैं बात करूं रिलेटिव कंपैरिजन की. तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे. राम अपॉन फादर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 years अपॉन 45 years. ईयर से ईयर्स कैंसिल, 1 जा 3 जा. तो राम रेशो फादर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1:3. अब इससे पता क्या लगा सर, इससे हमें क्या पता लग रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, ये रिलेटिव कंपैरिजन तो हमें समझ में आ गया कि आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन इससे हमें क्या पता लगेगा सर? इससे हमें यह पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई और डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशनशिप है. जैसे अगर मैं बात करूं तो जरा देखिए ये वाला, ठीक है ना, वो कह रहा है लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. इफ द रेशियो बिटवीन राम एंड हिज फादर इज 1:3. जैसे अभी हमारा निकल के आया, राम अपॉन फादर कितना निकल के आया, 1:3 निकल के आया. ये निकल के आया. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पहला रिजल्ट ये निकल के आएगा क्या, कि 3R इज इक्वल्स टू F. माने थ्री टाइम्स देखिए, थ्री टाइम्स द एज ऑफ राम इज इक्वल्स टू हिज फादर एज. बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? पहला रिलेशनशिप ये निकल के आया. अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मैं फादर को उधर लेके जाऊं तो क्या होगा? तो ये रिजल्ट निकल के आएगा क्या, कि राम्स एज इक्वल्स टू कितना आया, 1/3 ऑफ हिज फादर एज. बात समझ में आ गई नहीं? तो यहां जो कंपैरिजन निकल के आ रहा है वो एक रिलेटिव मॉडल माने मल्टीप्लिकेटिव या डिविजिबल के रेस्पेक्ट में निकल के आ रहा है. बात समझ में आ गई नहीं? तो हम दो ही टाइप का कंपैरिजन कर सकते हैं, तीसरा कंपैरिजन तो पॉसिबल है ही नहीं. दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, तीसरा कंपैरिजन पॉसिबल हो ही नहीं सकता. सिर्फ और सिर्फ दो कंपैरिजन पॉसिबल हो सकते हैं. तीसरे को आप चाहे तो ये कह सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवाइड, जो चारों का कॉम्बो हो. बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं रेशो की बात करूं, अगर मैं रेशो की बात करूं दोस्तों, तो रेशो क्या हुआ, एक रिलेटिव कंपैरिजन हो गया. रेशो क्या हुआ, एक रिलेटिव कंपैरिजन हो गया. किन के बीच में, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में. जैसे हमने 2% लिए, वैसे हम 2 की जगह 3% ले सकते थे. राम, राम के फादर, राम की मदर, तब भी कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता था. भाई हम 3 की जगह 4 भी ले सकते थे, राम, राम के फादर, राम की मदर और राम की सिस्टर. बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो यहां पे अगर हम बात करें तो रेशो की डेफिनेशन क्या बनेगी सर, जरा देखिए ध्यान से. रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स which are of same kind and are of same unit. रेशो क्या है, एक रिलेटिव कंपैरिजन है किसके किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, जिनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जो कि क्या होनी चाहिए, सेम काइंड के भी होनी चाहिए. बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां देखिए ईयर्स से ईयर्स हमने कैंसिल कर दिया. जब ईयर्स से ईयर्स कैंसिल कर दिया, इसका मतलब रेशियो की रिलेटिव कंपैरिजन की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती, हैज नो यूनिट. रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री नंबर.
बात समझ में आ गई या नहीं है। तो कंपैरिजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट कंपैरिजन, एक होता है रिलेटिव कंपैरिजन। एब्सोल्यूट कंपैरिजन में हम हमेशा क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे बात करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा एक यूनिट हमें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। रिलेटिव कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ बेसिकली हम लोग डिविजन के पर्पज से बात करते हैं, तो रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा, जिन चीजों के बीच में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट कंपेरिजन हो चाहे वो रिलेटिव कंपेरिजन हो, हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम काइंड के होनी चाहिए, और उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई नहीं है, क्लियर हो गई बात। तो अब अगर देखिए जरा शुरू से, द रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट इज नोन एज रेशियो। रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अरे सर ये बहुत बढ़िया लाइन है, सर ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, रेशो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं आप सभी से पूछूं, क्या आप मुझे 5 एप्पल, क्या आप मुझे 5 एप्पल्स लाके दिखा सकते हो, लाकर दिखा सकते हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में, जब भी कभी आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन में हाँ या ना का जवाब जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। आप 5 एप्पल्स लाके दिखा सकते हो, क्या आप माइनस के 5 एप्पल लाके दिखा सकते हो, इन दोनों में से किसी एक चीज पे आप मुझे बताओ, क्या सेकंड वाला पॉसिबल है। पहला वाला तो चलो आप लोग कह रहे हो कि पॉसिबल है, मैं पूछ रहा हूं क्या सेकंड वाला पॉसिबल है आपके हिसाब से, क्या सेकंड वाला पॉसिबल है, माइनस के 5 एप्पल आप शो कर सकते हो, कभी नहीं, माइनस के एप्पल आप दिखा ही नहीं सकते। मुझे चाहिए रियलिटी में, पॉसिबल ही नहीं है सर, माइनस नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये तो इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है कि अगर मिलेगा तो प्लस और जाएगा तो माइनस, इसी प्रिंसिपल के ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो कंपैरिजन में जाने और लाने की बात तो हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम हमेशा नेचुरल चीजों को, जो माने कहते हैं ना टेंजिबल है या प्रोडक्टिविटी की बात करें, इनटेंजिबल है सर्विसेज की बात करें, लेकिन इंसानों ने ये जो भी बनाया है नेगेटिव, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हमें ये पता लगे कि भाई अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है तो वो प्लस और जा रही है तो वो है माइनस। तो रिलेटिव कंपैरिजन की बात करें उसमें जाने आने की बात नहीं होगी, आप क्या करेंगे सिमिलर चीजों को देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किसके रिस्पेक्ट में, डिवीजन के रिस्पेक्ट में। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन है दोस्तों। बात समझ में आ गई या नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो कैन नेवर बी नेगेटिव, रेशियो इज यूज इन सेवरल केसेस ऑफ रिलेटिव कंपैरिजन। दुनिया में जितने भी रिलेटिव कंपैरिजन है, जैसे प्रोडक्टिविटी हो गया, ये क्या है, एक रिलेटिव कंपैरिजन है। आप अपनी मार्क्स की परसेंटेज बताते हो, वो क्या है, एक रिलेटिव कंपैरिजन है। भाई टोटल, जैसे आप कहते हो 12th में मेरे 86% आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पढ़ाई 100 थी, उसमें से 86 मुझे आती है, इस बात का मेरे पास CBSE ने या जिस बोर्ड ने मुझे क्या दिया है, अप्रूवल दिया है। ये क्या है, रिलेटिव कंपैरिजन ही तो कर रहे हो आप। तो जहां कहीं भी रिलेटिव कंपैरिजन की बात होगी दोस्तों, वहां पे हमेशा हमेशा रेशो यूज किया जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारी चीजें कराऊंगा मैं आपको, सारे क्वेश्चन, ये बेसिक है। अगर ये बेस क्लियर हो गया दोस्तों तो यकीन मानिए आपको इतना मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, आप किसी भी फॉर्मूले या किसी भी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बिल्कुल कहते ना डिपेंडेंट रहोगे नहीं, आप सारी चीजें वर्बली करना सीख जाओगे, ये गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं आपको, रिटेन में 100% रिटेन में गारंटी लिख के दे सकता हूं। लेकिन शर्त एक ही, अपने बेस को बहुत मजबूत करना है, सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर करके चल रही है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
इट मींस इफ यू वांट टू फाइंड द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर बट इन रिलेटिव ऑर्डर, माने कंपैरिजन तो करना चाहते हैं लेकिन कैसा कंपैरिजन करना चाहते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक मेजर क्वेश्चन, फ्रैक्शन और रेशियो क्या ये दो अलग अलग बातें हैं? फ्रैक्शन और रेशियो क्या ये दो अलग अलग बातें हैं? आप कहेंगे सर, कुछ लोग आप में से जो बुद्धिजीवी हैं वो कहेंगे सर ये दो अलग अलग बातें हैं, और जो परम बुद्धिजीवी है वो कुछ लोग कहेंगे ये सर नहीं एक जैसी बात है। सर मैं आपको बताऊं, ये ना छोटी छोटी सी बातें बहुत मैटर करती है। कहते हैं ना दुनिया में कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। अगर दुनिया में सारी कॉमन चीजें अगर आप समझने लग गए तो यकीन मानिए जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर आप चीजों को सिस्टम में लाके खड़ा कर देंगे तो यकीन मानिए लाइफ को एंजॉय करना भी आप लोग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अपना एक सिस्टम क्रिएट करिए, एक सिस्टम बनाइए। उस सिस्टम को जितना ज्यादा मजबूत बनाएंगे, उस सिस्टम को जितना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे आप काम करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मंत्र है आज का, यकीन मानिएगा। चलिए अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फ्रैक्शन और रेशियो का डिफरेंस क्या होता है? भाई रेशियो तो हमने अभी पढ़ा, रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन between two or more things, which are of same kind and have same unit। बात समझ में आ गई, ये हम पढ़ चुके हैं, और रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक, अच्छा, माने अगर मैं लिखना चाहूं ए रेशियो बी, इसका मतलब हो गया ए अपॉन बी, और यहां पे कोई यूनिट नहीं है, माने नो यूनिट। नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपसे फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भाई फ्रैक्शन का मतलब होता है एक हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा, किसी एक चीज का एक टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट। एक किसी एक चीज का एक हिस्सा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान ले अगर एक केक की बात करें, ये कुछ एक केक मान लीजिए है, इस केक को मैंने चार बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? एक 1/4 पार्ट कहलाएगा। 1/4 किसका? ऑफ केक, ऑफ केक। अगर केक का हिस्सा होगा तो केक, 1/4 ऑफ पानी का हिस्सा होगा तो पानी, दूध का हिस्सा होगा तो दूध, जैसे कहेंगे वैसे। माने हमेशा फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ समथिंग, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। किसी एक चीज का एक हिस्सा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। हिमांशु गर्ग जी कुछ कह रहे हैं, सर रिलेटिव कंपैरिजन तो रेशियो में यूज होता है, बट एब्सोल्यूट कंपैरिजन कहां पर यूज होता है? दुनिया में हर जगह यूज होता है मेरे भाई। अब मैं कहता हूं प्याज 2 रुपए महंगी हो गई, ये 2 रुपए महंगी हो गई का मतलब क्या हुआ? ये एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन ही तो हुआ कि भाई अगर कल मान लो 10 रुपए किलो बिक रही थी तो आज 12 रुपए किलो बिक रही है। यहाँ पे आप विद रेस्पेक्ट टू यूनिट बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन ही तो बता रहे हैं कि कल के मुकाबले में आज प्याज 2 रुपए महंगी हो चुकी है। इस तरीके से यही तो बात कर रहे हैं आप। तो जहां कहीं भी आप प्लस माइनस के कंपैरिजन, भाई कंपैरिजन तो आप दो ही तरीकों से कर सकते हो। आप क्या करते हो दुनिया में? हर चीज कंपेयर ही तो करते हो। एसी कूलिंग ज्यादा कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे पता करते हो? ये कंपैरिजन ही तो है। अगर पहले के मुकाबले कूलिंग अच्छी नहीं कर रहा है तो क्या कहते हो? एसी खराब हो रहा है। पहले के मुकाबले एसी कूलिंग अच्छी कर रहा है माने एसी की सर्विस कराई है, एसी अच्छा है। तो ये दुनिया तो कंपैरिजन पे ही चल रही है भाई।
दुनिया में हर चीज कंपैरिजन पे तो टिकी हुई है, कौन किसके कंपेयर में कितना काम कर रहा है। अब या तो वो एब्सोल्यूट कंपैरिजन की बात करेगा, भाई कितने पैसे मिल रहे हैं, या वो रिलेटिव कंपैरिजन की बात करेगा, कौन सी कुर्सी पे बैठा है। दोनों में फर्क है ना, पैसे से कुर्सी नहीं नापी जा सकती और कुर्सी से पैसा नहीं नापा जा सकता, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दुनिया में बेटा। बात समझ में आ गई। हिमांशु गर्ग जी, आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो तो एम टाइप करिए, सेटिस्फाई ना हो तो डी टाइप करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, द पार्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज अ फ्रैक्शन। किसी चीज का एक हिस्सा क्या कहलाता है, एक फ्रैक्शन कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है, सर 1/5 कहें, माने अगर मैं किसी चीज को 5 हिस्सों में बांटूं, 1, 2, 3, 4 और 5, इसका पहला पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एक इसका हिस्सा ही तो कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे आप, 1/5 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप, 1/5 कहेंगे। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं 1/7 बताओ, वर्ब या 2/9 बताओ, 2/9 क्या होगा। सर एक चीज को पहले हम 9 हिस्सों में बांट लेंगे, 9 हिस्से का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हिस्से हो गए। इसके दो लगातार हिस्से, कोई से भी दो हिस्सों को मिला के क्या बनेगा, 2/9, माने ये हिस्सा ले लो और साथ में इसके बगल वाला या कोई दूसरा हिस्सा, तो हम इसके बगल वाला ही ले लेते, तो इन दोनों हिस्सों को मिला के क्या बनेगा, 2/9 बनेगा। ये है फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई या नहीं है? फ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई, फ्रैक्शन का मतलब द पार्ट ऑफ समथिंग। अच्छा, दिमाग में एक बात और भी आ सकती है कि सर एक नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। एक तो कलर सिलेक्शन बहुत मतलब सोच के करना पड़ता है। 5 and 2/3, सर इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब क्या हुआ। हालांकि किसी एक चीज का हिस्सा हो सकता है, मान लीजिए अगर मैं कह दूं टॉफी लिख देता हूं, चलो तो अगर इस टॉफी को आपको लेना होगा मार्केट से तो कैसे लोगे भाई, 5 टॉफी तो पूरी आ जाएंगी, ये बात तो कंफर्म है, और प्लस 2/3 टॉफी और चाहिए, ठीक है, 2/3 टॉफी और चाहिए। अब 2/3 टॉफी का मतलब क्या है, एक टॉफी के 3 हिस्से करो और इसके 2 हिस्से आप ले लो, ये वाले, तो ये क्या कहलाएगा, 2/3 टॉफी हो जाएगी। तो बस ये मतलब हुआ फ्रैक्शन का। ये एक मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ये एक प्योर फ्रैक्शन कहलाता है, दोनों बातों में इतना सा फर्क है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होल प्लस फ्रैक्शन। ये एक प्योर फ्रैक्शन है, माने प्योर फ्रैक्शन है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1 से छोटा ही होगा, ये 1 से छोटा ही होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मिक्स फ्रैक्शन की, तो मिक्स फ्रैक्शन जो होगा, मिक्स फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं प्योर फ्रैक्शन की बात करूं, प्योर फ्रैक्शन की बात करूं, तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा। बात समझ में आ गई नहीं है, क्लियर हुई बात? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड द रेशियो। तो फ्रैक्शन की बात करूं, द पार्ट ऑफ समथिंग, द पार्ट ऑफ समथिंग is known as fraction. किसी चीज का एक हिस्सा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। अच्छा, फ्रैक्शन की हमेशा एक यूनिट होगी, भाई किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये बात तो हमेशा रिप्रेजेंट करोगे ना। कहते हो ना, अपनी प्रॉपर्टी, पापा अपनी प्रॉपर्टी का मुझे 2/3 दे दो, 1/2 दे दो, 50% प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। 50% प्रॉपर्टी माने जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा मेरा, आधे का मतलब प्रॉपर्टी का, आधा किसका, प्रॉपर्टी का। तो यूनिट तो होगी होगी, माने हमेशा फ्रैक्शन की एक यूनिट होगी, जबकि रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि लिखने की जगह मिल जाए मुझे। तो यहां लिख लेते हैं, फ्रैक्शन has a unit, फ्रैक्शन की अपने आप में एक यूनिट होगी ही होगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, द पार्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात, चलिए। अच्छा, अब अगर मैं कहूं a अपॉन b यूनिट, माने मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इसे चाहकर भी a रेशो b नहीं बोल सकता, cannot be equals to a upon b,
ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक रेशो नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, किसी एक चीज का हिस्सा है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा अगर मैं बात करूं, देखिए तो यह लिखा हुआ था पार्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज फ्रैक्शन, किसी एक चीज का हिस्सा क्या कहलाएगा, एक फ्रैक्शन कहलाएगा। जबकि रेशो की बात करूं तो रेशो इज द रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। बात क्लियर हो गई यहां तक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रैक्शन और रेशो, इन दोनों में डिफरेंस है, फ्रैक्शन की यूनिट होगी लेकिन रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। जब ये दो अलग अलग वर्ड हैं दोस्तों, तो इसमें जो ऊपर और नीचे की क्वांटिटी है उनको बोलने का तरीका भी अलग है, उनके लिए वर्ड भी अलग अलग है। फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, सभी ने सुना होगा। और नीचे वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे बोलते हैं अंश, अंश। और हिंदी में से बोलते हैं हर, ठीक है ना, अंश और हर। और ये कहलाता है एक, अब क्या नहीं, हिंदी में भाग्य संख्या ऐसी कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो ये कहलाता है न्यूमरेटर, ये कहलाता है डिनोमिनेटर। लेकिन अगर रेशो की बात करूं तो आप इसे न्यूमरेटर तो बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर बोलोगे तो लोग कहेंगे अच्छा फ्रैक्शन की बात कर रहे हो। और अगर आप न्यूमरेटर नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे इसे? एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे इसे? एंटीसीडेंट। और इसमें नीचे वाली क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। बात समझ में आ गई दोस्तों? माने अगर कोई आपसे बोलेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कहोगे अच्छा ये किसी फ्रैक्शन की बात कर रहा है। और अगर आपसे कोई बोलेगा एंटीसीडेंट या फिर बोलेगा कॉन्सिक्वेंट तो आप बोलोगे अच्छा ये एक रिलेटिव कंपैरिजन माने रेशो की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। रेशो क्या है? रेशो एक रिलेटिव कंपैरिजन है बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी दोस्तों, कभी कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री नंबर। रेशो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया नेगेटिव नाम का चीज तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो एग्जिस्ट नहीं करती उसका कंपैरिजन कैसे करोगे? देने लेने का कोई कंपैरिजन नहीं होता, देने लेने का कोई कंपैरिजन नहीं होता, बस देने और लेने के लिए प्लस माइनस का यूज किया जाता है, बाकी कोई यूज नहीं है प्लस माइनस का दुनिया में। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन मींस द पार्ट ऑफ समथिंग, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। रेशो मींस आप जानते ही हैं, फ्रैक्शन में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाली क्वांटिटी को कहेंगे डिनोमिनेटर। रेशो में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहेंगे एंटीसीडेंट, नीचे वाली क्वांटिटी को क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ये मैं आपसे बात कर चुका हूं कि अगर हमने एक एग्जांपल लिया राम रेशो फादर इज इक्वल्स टू 1/3, तो दो टाइप के रिलेटिव कंपैरिजन आपके सामने निकल के आए। पहला क्या, भाई हमने इसको सिर्फ फादर को उधर लेके गए तो राम इक्वल्स टू 1/3 ऑफ हिज फादर एज। और दूसरा हमने इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 टाइम्स ऑफ राम इज इक्वल्स टू हिज फादर एज। बात समझ में आ गई या नहीं? तो दोनों के रेस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सोच के ध्यान से बात करिएगा, अगर मैं कहूं राम की एज, ये राम था और ये हरिलाल जी है, ये हरिलाल जी है और ये राम भाई साहब है। पहले हम इधर वाले के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से। अब अगर मैं कहूं राम की एज 20 साल, वो मान लीजिए 30 साल, राम की एज 30 साल तो फादर की एज कितनी? तो आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो आप। आप अगर ऐसे बात करना चाहते हो तो फिर तो मैं राम की एज यहां पे लगाऊंगा ना, यहां लगाऊंगा 3 × 30 90 आ जाएगा। भाई अगर आप इस कंडीशन की बात करोगे तो मुझे ये वाली वैल्यू दोगे तो मुझे आराम से राम की एज बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बात प्रैक्टिकली समझिएगा, आप दो तरीके देखिए ना, कुल मिला के आपके पास है तो एक ही रिलेशनशिप, राम अपॉन फादर इज इक्वल टू 1/3, प्रैक्टिकली हमारे पास एक ही रिलेशनशिप है। अब अगर मैं बात करूंगा राम की एज 30 साल तो मैं राम को यहां लिखूंगा ना, माने 1 किसके बराबर है? 30 के बराबर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90 के बराबर होगी। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं राम को x मान लूं तो फादर हमेशा 3x के बराबर होंगे। राम क्या होंगे? अगर x इयर्स के होंगे, राम जो होंगे वो अगर x इयर्स के होंगे तो उनके फादर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? 3x इयर्स के होंगे। यही तो बात हुई रिलेटिव कंपैरिजन, तो यही फायदा है। भाई देखिए ना, हमने ये x क्यों लिया? भाई हमने देखा था पुराना जो हमने एग्जांपल लिया था राम और फादर वाला, कहां गया? ये रहा।
अब देखिए यहाँ पे हमने एक 15 नंबर क्या करा, इन दोनों को एक कॉमन नंबर की टेबल से काटा। कौन सी टेबल से? सर 15 की टेबल से। तभी तो ये 1:3 निकल के आया। तो भाई हम भी तो यही बात करें कि मान लिया वो कॉमन नंबर क्या है, एक्स है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि अगर राम 1x होगा, तो फादर 3x होंगे। राम 1a होगा तो फादर 3a के बराबर होंगे। राम अगर 10 साल का होगा तो फादर 30 साल के होंगे। राम अगर 20 साल का होगा तो फादर 60 साल के होंगे। राम अगर 15 साल का होगा तो फादर 45 साल के होंगे। यही तो कहने का मतलब है आपका सब मिलाकर। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो हम इसको किसी भी रेस्पेक्ट में कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फादर की एज दूंगा तो मैं डायरेक्ट राम की एज निकाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे राम की एज दूंगा तो मैं फादर की एज निकाल सकता हूँ। तो दोनों के बिहाफ पे आप बात तो एक ही कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं इन सब बातों को बंद कर दीजिए और मैं कहूं बताइए अगर फादर 60 साल के तो राम की एज क्या होगी, अब आप क्या करोगे, इसका 1/3 करोगे, कितना आएगा? 20 आएगा। अगर मैं कहूंगा फादर 20 साल के तो राम कितने का होगा? 20/3। हालांकि अब आपको फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा? 6.66 आ जाएगा, नहीं 6.66 के आसपास आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन है। माने क्या कर रहे हो आप, एक दूसरे को कंपेयर करो। किसके रेस्पेक्ट में? रेशो। माने कोई प्लस माइनस के रेस्पेक्ट नहीं है, रेशो के रेस्पेक्ट में। कौन किसके कितने गुने के बराबर है, बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे वाटर और मिल्क का एक एग्जाम्पल है। इसमें भी देखिए ना, हर जगह दुनिया के हर क्षेत्र में रेशियो चल रहा है। या तो आप एब्सोल्यूट कंपैरिजन कर रहे हो या फिर आप रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हो। तीसरा कंपैरिजन तो है ही नहीं भाई, आप कर ही नहीं सकते। या तो आप क्या कहते हैं एब्सोल्यूट कंपैरिजन माने प्लस माइनस के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हो, या आप मल्टीप्लाई डिवाइड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, या इन दोनों का कॉम्बो लेके चलो। चौथा कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते ना आप, किसी हालत में नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात ये नहीं? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक वेसल है, ये जो व्हाइट कलर की आपको बॉल दिख रही है, मैं मान लेता हूं ये एक मिल्क का गुब्बारा है, दूध से भरा हुआ गुब्बारा, ठीक है ना। और ये एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, ये एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक दूध से भरा हुआ गुब्बारा है और ये एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा है। इन दोनों गुब्बारे को मैंने एक वेसल में डाल दिया। अभी आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा गुब्बारा बड़ा दिख रहा है, मिल्क वाला या वाटर वाला? कौन सा गुब्बारा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मिल्क वाला या वाटर वाला? सर एब्सोल्यूट सी बात है, मिल्क वाला गुब्बारा ज्यादा बड़ा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं ये 10 लीटर, तो वाटर क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वाटर क्या होना चाहिए? अगर मैं कहूं मिल्क 10 लीटर और मैं कहूं वाटर 20 लीटर, आप कहोगे सर प्रैक्टिकली तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मिल्क का गुब्बारा है जो सर्कल है वो क्या है, एक बड़ा सर्कल है, और वाटर का जो सर्कल है वो क्या है, एक छोटा सर्कल है। तो देखा जाए प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको मिल्क ज्यादा रखना चाहिए, वाटर कम रखना चाहिए। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो अगर हम बात करें ये मिल्क 10 लीटर, तो वाटर हम यहाँ लिख सकते हैं 6 लीटर। मिल्क 10 लीटर तो वाटर कितना हो गया, 6 लीटर। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करूं, मिल्क और वाटर दोनों लीटर की फॉर्म में है, दोनों एक क्या है, एक टाइप के तरल पदार्थ है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म है। मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है हमारा 6 लीटर, सॉरी वाटर कितना हमारा 6 लीटर, मिल्क कितना हमारा 10 लीटर। तो अगर इनके बीच में मैं रेशियो निकालूं तो वाटर अपॉन मिल्क कितना आ गया, 6/10 माने 3 और 5 माने वाटर अपॉन मिल्क कितना होगा, 3:5, ठीक है ना। अगर मैं कहूं तो मिल्क अपॉन वाटर कितना होगा, 5:3, कितना होगा, 5:3। तो ये दोनों बातें एक ही है, अलग अलग नहीं है। इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा, इससे कंक्लूजन दो मिलेंगे सर। क्या कंक्लूजन मिलेंगे भाई, मिल्क बराबर कितना होगा, सॉरी मिल्क कह रहा हूं, वाटर बराबर कितना होगा, सबसे पहले वाटर बराबर कितना होगा, यहां से देखिए वाटर बराबर कितना होगा,
3/5 ऑफ m, और अगर मैं बात करूंगा मिल्क बराबर कितना होगा तो 5/3 ऑफ m। तो अलग अलग बातें निकल आई, यही तो हम कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, माने कुल मिला के रेशो कोई अलग से चीज नहीं है दोस्तों, रेशो सब मिला के जिंदगी का वही काम है। जैसे अगर आप चाय बनाते हो, 2 कप चाय बनाओगे तो चीनी अलग पड़ेगी, लेकिन अगर 4 कप चाय बनाओगे तो चीनी क्या होगी, अंदाजे से डालते रहो, उसी अंदाज में उसी रेस्पेक्ट में डालते रहो, रेशियो के रेस्पेक्ट में, दैट इज नोन टू बी प्रोपोर्शन। वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। कि नहीं दो चीज का रेशियो होगा, कि नहीं दो चीज के रेशियो के बराबर है, तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं कंपैरिजन, वो प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो वो चारों चारों चीजें क्या कहलाएंगी, एक प्रोपोर्शन में कहलाएंगी। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया। तो अगर मैं आपसे यहां कहूं मिल्क वाटर ये है, तो इसका रेशियो क्या कहलाएगा, 3/5। बात समझ में आ गई है, नहीं क्लियर हो गई बात। अच्छा दूसरा ले लेते हैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं मिल्क जो है वो है 20 लीटर, वाटर जो है वो है 15 लीटर। तो मुझे बताइए मिल्क अपॉन वाटर, इसको काट देते हैं, मिल्क अपॉन वाटर कितना होगा, मिल्क अपॉन वाटर, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 20, वाटर की क्वांटिटी कितनी है 15, रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है ना, माने मिल्क को अगर हम मानेंगे 4x तो वाटर कितना होगा 3x, माने मिल्क कहेंगे अगर 40 लीटर तो वाटर कितना होगा 30 लीटर, अगर हम कहेंगे मिल्क होगा 400 लीटर तो वाटर कितना होगा 300 लीटर, जो भी होगा इसी रेशियो में चलेगा हमेशा, तब जाके ये फिगर पॉसिबल हो पाएगी, ये रेशियो कंपैरिजन हो पाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक लेटेस्ट एक अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिया, कोई दिक्कत नहीं उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे आपके सामने, आप कह रहे सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, बस सर रेशो खत्म हो गया, अब रेशो में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सारे क्वेश्चन आप वर्बली कर सकते हो, इस बात की गारंटी लिख के दे सकता हूं, विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक। यहां देखिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसको एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलूंगा, और देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में खत्म कर सकते हैं, विद इन 3 स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे। आप देखिए आप इसे वर्बली कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 3:5। अब 2 पर्सन जैसे राम और हरिलाल ले लिया, तो राम और हरिलाल का जो रेशियो दे रखा है वो 3:5, माने अगर मैं इसे 3x इयर्स का मानूं तो इसे 5x इयर्स का मानूंगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं राम को 3x इयर्स का मानूं, ये फर्स्ट पर्सन होगा, P1 P2 कह सकते हैं चाहे तो आप, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, मर्जी आपकी, मैंने राम और हरि इमेजिनेशन पार्ट में उसे इमेजिन कर लिया, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 18 इयर्स, अरे वाह एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन भी दे रखा है, माने इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 18 साल, क्या दे रखा है आपको 18 साल। अब इन दोनों का डिफरेंस हुआ क्या, 2x बराबर 18। भाई आप कहोगे सर -2x, सर डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। जैसे मैं कहूं आपके और मेरी एज का डिफरेंस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस वाली बात नहीं करोगे, डिफरेंस की बात करो, बड़े में से छोटा घटाओगे, तो यहाँ पे भी डिफरेंस की बात होगी तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। अरे वाह सर खत्म हो गया तो क्वेश्चन, x बराबर 9 तो ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा सर 27, और ये कितना हो जाएगा सर 9×5=45, ठीक है ना, ये ईयर्स और ये ईयर्स। अब क्या पूछा है, देन द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, माने बड़े इंसान की एज कितनी है सर 45 इयर्स, कितनी एज है 45 इयर्स। बात समझ में आ गई नहीं, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब 45 इयर्स तो हमारा इसका आंसर आ गया, हालांकि अगर मैं इसको ऑप्शन के रेस्पेक्ट में देखूं, माने मैं इसे सॉल्व करना ही नहीं चाहता, मैं पेन चलाना ही नहीं चाहता, मैं इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करना चाहता हूं, तब क्या करेंगे, ठीक है ना सर। 2022 सिलेबस का है, बिल्कुल सही बात है शयाली जी, बिल्कुल 2022 सिलेबस का ये आपका जो लेक्चर चल रहा है, ये 2022 और 2016 दोनों सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि रेशो तब भी था, रेशो आज भी है, पहले भी पेपर ऑब्जेक्टिव था, अब भी पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको एक ऑप्शन की फॉर्म में रखा है, तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल कोशिश करिए, आपका दिमाग इतना चलना चाहिए,
क्यों नहीं चल सकता? बहुत आराम से क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिकली समझेंगे क्वेश्चन उतना बढ़िया आपको लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं इसे ऑप्शन से करूंगा, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है 45 इयर्स, लेकिन फिर भी अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करूं तो इफ द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ 2% इज 3:5। अच्छा, तो माने एक की एज 3x तो दूसरी एज कितनी होगी 5x, ये कंफर्म हो गया। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 18 इयर्स, ठीक है ना। अब मैं इसे ऑप्शन से कर रहा हूं तो मैं इसे अब यहां पे माइनस नहीं कर रहा हूं। देन द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, माने ये जो एज दे रखी है आपको, ये किसकी दे रखी है? एल्डेस्ट पर्सन की दे रखी है। आपको तीन ऑप्शन चेक करने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको तीन ऑप्शन चेक करने, चौथा तो होगा ही होगा। अगर ये तीनों आंसर नहीं हुए तो नन आंसर तो होना ही होना। मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं सर, दोनों तरीके ध्यान समझिएगा। अब एल्डेस्ट पर्सन आपके हिसाब से इसमें एल्डेस्ट पर्सन कौन होगा? 5x, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखिए, अगर मैं 5x को बराबर रखूं 40, 5x को इक्वल्स टू रखा मैंने 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8। x की वैल्यू 8 लगाऊंगा तो ये आएगा 24, ये 24 है और ये 40 है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 18 साल आ रहा है? भाई अगर मेरी बात सेटिस्फाई हो गई तो मैं आंसर यही बता दूंगा, लेकिन अगर मेरी बात सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मैं कहूंगा भाई ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब देखिए, क्या 24 और 40 का डिफरेंस 18 आ रहा है? नहीं सर, 16 आ रहा है, तो आंसर ए तो नहीं होगा। 47 लेके चलते हैं। अब 5x बराबर 47, अब तो देखो ना, अब आप खुद देखो यहां 47 आ रहा है, तो देखा जाए तो x की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आएगी। x की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आ जाएगी भाई? 9.4 आ गई। कितनी आ गई? 9.4, ठीक है ना। 9.4 लगाओगे तो 9 × 3 = 27, ठीक है ना। ये पॉइंट में इनका डिफरेंस कितना आएगा? पॉइंट्स में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 18 साल आना चाहिए था, तो आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब 45 चेक करते हैं भाई, 5x बराबर 45, 5x बराबर 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। x की वैल्यू 9 ये, और 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये 27 और ये 45, क्या इन दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। आप दोनों तरीकों से चेक कर लीजिए, आप बिल्कुल दोनों तरीकों से चेक करिए, आपको दोनों वे समझ में आने चाहिए। आप क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिकल ट्रीट करेंगे क्वेश्चन उतना ज्यादा इजी लगेगा दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को ये सोच के चलेंगे ये एक मैथमेटिकल पेपर है तो बुरा मत मानिए, दुनिया में हर जगह आप मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे आप मैथमेटिक्स यूज नहीं करते। तो आप ये आज से कहना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि सर हमें मैथ से बहुत डर लगता है। अगर आप मैथ की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, मैं आपसे कॉपी किताबों की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं चीजों को प्रैक्टिकली समझना सीखिए, चाहे वो कोई भी दुनिया की चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। मैं आपको रेशियो और प्रोपोर्शन उस वे से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बेटा ये ऐसे एक्स मान लेना, ये वाई मान लेना, ये जेड मान लेना, आप कुछ भी मान सकते हो भाई, ये आपका मैटर है। लेकिन चीजों को सही तरीके से मानोगे तभी रिजल्ट सही आएगा, अगर आप गलत तरीकों से मानोगे तो रिजल्ट भी आपका गलत ही आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5, फिर वही आ गया सर 3x और 5x, ठीक, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 64। अच्छा जी, आप देखिए दूसरी रिलेशनशिप इसने क्या कर दी? बदल दी। And the difference between their squares is 64. तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सर डिफरेंस करके स्क्वायर करना है या स्क्वायर करके डिफरेंस करना है। तो अगर आपको इस लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो मैं इसका आपको एक रामबाण इलाज बताता हूँ। एक ऐसा इलाज कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत है तो वो आपकी सेंटेंस की दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं लिखता हूं राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर कि राम है हस्बैंड ऑफ सीता, माने सीता के पति, ठीक है ना, माने राम जो है वो सीता के पति हैं। अगर मैं इसे पीछे डायरेक्शन से पढूं यहां से, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सीता के पति वो राम के पति सीता हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल सेंटेंस गलत है, आप भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा पढ़ के देखते हैं। सीता ऑफ माने
काकी के माने के कर दिया, हस्बैंड माने पति है राम, माने सीता के है, सीता के पति है राम, तो मीनिंग तो एक ही निकल के आया। तो अगर कभी भी आपको किसी सेंटेंस में दिक्कत है दोस्तों, आपको किसी भी सेंटेंस में लगता है कि ये सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आ पा रहा, आप उसे पीछे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 64 is स्क्वायर्स देयर, देयर स्क्वायर का मतलब इनके स्क्वायर की बात कर रहा है। इनका स्क्वायर कितना हुआ, 9x स्क्वायर, ये इसका हो गया, और 25x स्क्वायर, भाई दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, और 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस भाई देखिए ना, लिखा हुआ है बिटवीन डिफरेंस, माने इनका डिफरेंस कितना हुआ, 16x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आपके मन में आ रहा होगा सब प्लस माइनस 2 लगा सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए नंबर्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी एज के रेस्पेक्ट में बात हो रही होती तो वहां नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना पड़ता। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात? तो x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो नंबर आ गया ये 6 और ये 10। अब ये पूछ रहा है कि बताइए नंबर्स आर 6 और 10, हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, हमने इतना समय लगाया, हम अगर देखते कि हमें दोनों ऑप्शन गिवन है तो हम इसको वर्बली चेक करके देखते, जो दोनों कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर भी होगा। तो जरा इसको हम ऑप्शन से करके देखते हैं, हम इसको अब ऑप्शन से करके देखते हैं। वो कह रहा है कि सर इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर 3:5, क्या इनका रेशियो 3:5 आ रहा है? आ रहा है सर, ये 3:5 ये भी आ रहा है, ठीक है। क्या इसका रेशियो 3:5 आ रहा है? आ रहा है सर, ये भी 3:5 आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा, इसकी तो बात ही खत्म कर देते हैं। अभी ए बी या डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इफ एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 64, अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस माने 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। इनका डिफरेंस किसी भी हालत में 64 तो नहीं बचेगा, 100 समथिंग बचेगा, माने आंसर ए तो नहीं होगा। ये और चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों का डिफरेंस 64, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब दो की जगह हमने 3 क्वांटिटी ले ली, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आराम से देखिए, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के आप सारे क्वेश्चनों को करने में एबल होगे, गारंटी है मेरी, मैं आपको रिटन में गारंटी दे सकता हूं। लेकिन बस तसल्ली से मेरी बात को सुनते रहिएगा, आप रेशियो प्रोपोर्शन में किसी भी लेवल पे चले जाइए, चाहे आप SSC, ठीक है ना, आप सी सेट लेवल पे, सिविल सर्विसेज के लेवल पे, किसी भी लेवल पे चले जाइए, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। 5-10 क्वेश्चन की मैं बात करता नहीं, बाकी आपको 95% जो होगा पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो आराम से बिल्कुल तसल्ली से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन 3 नंबर्स इज 3:5:11, अच्छा अब रेशियो कितना है, 3:5:11, अगर मैं नंबर्स मानता तो 3x 5x और 11x, चाहे तो 3a 5a 11a, चाहे भाई क्या कहते हैं 3b 5b 11b, 3y 5y 11y, माने वेयर x एंड y एंड a एंड b आर द नंबर्स, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1395, अब सम ऑफ देयर स्क्वायर, फिर अगर कंफ्यूजन है कि सम करके स्क्वायर करना है या स्क्वायर करके सम करना, तो पीछे से पढ़ लीजिए, 1395 इज स्क्वायर्स देयर, माने इनके स्क्वायर का सम। तो पहले इनका स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 25x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 121x स्क्वायर, ये हो गया। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 2594 और 121, 34 और 121, 155, 34 और 121, बिल्कुल ठीक, 155 एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, आपको कितना दे रखा है, 1395। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 15 नंबर 135, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एक्स की वैल्यू 3 लगाएंगे तो क्वांटिटीज क्या आ गई, 9
और 15 और 33। आंसर कितना आप क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर 33, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम चाहे तो इस क्वेश्चन को वर्बली भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इस क्वेश्चन को वर्बली भी कर सकते हैं आराम से, हमें कोई टेंशन ही नहीं है सर, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, हमें कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं, सब चीज हमारे दिमाग में यहां फिट है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को वर्बली करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हमें ये भैया कुछ नहीं समझ में आया, हम तो इसे वर्बली चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आंसर ठीक है, नहीं तो नहीं, दूसरा चेक करेंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स इज 3:5:11, ठीक है साहब, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1395, द लार्जेस्ट नंबर इज, माने ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं किसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लार्जेस्ट के, ये तो कंफर्म बात हो गई, इनके हिसाब से या तो लार्जेस्ट 22 होगा या 11 होगा या 33 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, कुछ और ही होगा, तो हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। अब भाई हमारे हिसाब से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा सर, 11x होगा, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो भी नंबर होने चाहिए वो इसके मल्टीपल में होने चाहिए, तब तो काम भी बनेगा, क्योंकि वैल्यूज देखिए ना आपको एक नंबर की फॉर्म में दिख रही है, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं है, अगर पॉइंट्स की फॉर्म में होती तो नंबर कोई भी चलता, बात समझ में आ गई नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की वाली बात है। तो 11x बराबर 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 पे नंबर कितने हो जाएंगे 6, 10 और 22। अब जरा चेक करिए कि इनके स्क्वायर का सम 1395 आना चाहिए, माने 3600 और ये हो जाएगा 484, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, मतलब ही नहीं उठता, 1300 है ये, करीबन ये बनेगा 500 कुछ के आसपास बनेगा, तो आंसर ए तो नहीं होगा। 11 चेक कर लेते हैं, 11 करेंगे तो 11x बराबर 11, तो x बराबर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5 और 11, जब ये 3, 5, 11 तो इसका स्क्वायर 9, 25 और 121, इन तीनों का सम तो किसी हालत में नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा और चेक करेंगे तो 11x बराबर 33, तो x बराबर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9, ये कितना हो जाएगा 5 into 3 15, और ये कितना हो जाएगा 11 3 33। अब इनके स्क्वायर का सम माने ये हो गया 81, ये हो गया 225 और ये हो गया 33 का स्क्वायर 33 into 33 1089। क्या इन तीनों का सम 1395 आ रहा है प्लस 225 प्लस 81? हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा सर सी। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है बेटा, आप लूडो को पासा फेंक के खेलते हो और शतरंज की बाजी अलग तरीके से खेली जाती है। अगर शतरंज में भी आप लूडो के तरीके से पासा फेंक के खेलोगे तो शतरंज कभी नहीं जीत पाओगे, खेलना आता ही नहीं आपको, ठीक है ना। और लूडो के अंदर कभी भी वो घोड़े वाली चाल और हाथी वाली चाल नहीं चलेगी, तो जैसा गेम है वैसे ही उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी आपको, उस हिसाब से अगर आप ट्रीट करोगे तो टॉपिक्स आपके लिए मजेदार भी होंगे और आपके टिप्स पे भी रहेंगे। इसी के साथ अलविदा लेता हूं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना किसी भी बुक से जब तक रेशियो और प्रोपोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप दुनिया की किसी बुक से क्वेश्चन करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तब तक के लिए कल मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।